बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी और मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। उधर ढाका में हालात बेकाबू है। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील भी की है और उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में ले आएंगे। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। इस बीच सेना अध्यक्ष वकार उज़्ज़मान ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो देश की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बांग्लादेश सेना का सरकार के साथ एक जटिल रिश्ता है, लेकिन क्या ये सेना इतनी सक्षम है? बात करें सैन्य सत्ता की तो इसका इतिहास काफी लंबा रहा। फिलहाल सेना सरकार के किसी काम में दखल नहीं देती। 1971 में अपनी आजादी के बाद से ही बांग्लादेश में सेना रह कर तख्ता पलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन रुक रुक कर होता रहा है। सेना ने राजनीतिक संकटों के दौरान हस्तक्षेप भी किया है। 2007 में जब एक सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार की स्थापना हुई थी तो इस बार भी बांग्लादेश में कुछ वैसा ही हो तो अलग नहीं होगा। हालांकि सेना राजनीतिक मामलों में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई जरूर पड़ रहा है। बांग्लादेश के राजनेता भी अक्सर सैन्य हितों के बारे में सावधानी से चलते हैं। इसी बीच रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे। शेख हसीना ने शुरुआत 2009 के साल में की थी, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही थी। बांग्लादेश में सैन्य सरकारों का इतिहास रहा ही है। 1975 में पहली बार सैन्य तख्तापलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया था। उसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर कब्जा किए हुई थी। और रक्षा बजट की बात की जाए तो बांग्लादेश की सेना का रक्षा बजट भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा बजट है। यानी कि रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन ये खर्च करता है, जो कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए, यानी कि बांग्लादेश की सेना पर काफी पैसा खर्च होता है। बांग्लादेश की सशस्त्र बलों में 3 मुख्य शाखाएं शामिल है, जिसमें बांग्लादेश सेना, बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश वायुसेना है। वो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं और इसमें राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। बात करें सक्रिय सैनिकों की तो बांग्लादेश की सेना में फिलहाल 1,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। और हालांकि सेना में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और तटरक्षक बल जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। ये दोनों भी काफी बड़ी क्षमता वाले अर्धसैनिक बल हैं। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकार उज़्ज़मान हैं और उन्होंने 23 जून 2024 को ये पद ग्रहण किया था। उन्हें 20 दिसंबर 1985 को इन्फेंट्री कोर में कमीशन हासिल हुआ था। ये नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही 3 साल के लिए की जाती है और ये देश का सबसे बड़ा सैन्य पद होता है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसके तहत ही आते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.5871। देश की सेना में लगभग 1,75,000 सैनिक हैं, 281 टैंक हैं, 13,172 बंद वाहन हैं, 30 स्वचालित तोपखाने हैं, 370 टो आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी और बांग्लादेश नौसेना के लगभग 3,000 सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश के पास भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है, जैसे हमने आपको बताया। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद सबसे ताकतवर सेना बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की सेना एक आत्मनिर्भर संस्था है, जिसमें विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण की क्षमता है। वो बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार बढ़िया काम करती रही है और उसकी थल के साथ जल और वायु की क्षमता भी ठीक ठाक है। बहरहाल अब देखना होगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।